एक महिला जिसके मैं बहुत दिनों से ईडी को कह रहा था, करीबन 6 महीने से, बल्कि मानो 1 साल से, एक महिला का नाम बता रहा था, ईडी उसकी सर्च करे और उसको पकड़े। उसका नाम है स्पर्धा चौधरी, नीचे स्पर्धा चौधरी। ये 25 अक्टूबर 2018 का फोटो है राहुल गांधी के साथ। फोटो तो हो सकता है, कोई बुराई की बात नहीं है। यह उस समय प्रदेश उपाध्यक्ष राजस्थान महिला कांग्रेस की अध्यक्ष थी, उपाध्यक्ष। इसमें उनके कोटा आगमन पर यह हार्दिक अभिनंदन कर रही है और फिर ये कह रही है शिक्षा, रोजगार व महिला सुरक्षा जन जन की है एक ही इच्छा, स्पर्धा चौधरी। स्पर्धा चौधरी कांग्रेस में, कांग्रेस से चले जाती है आरएलपी में, आरएलपी की महिला मोर्चा की अध्यक्ष बन जाती है, विश्व को सत्य, अहिंसा, शांति और सद्भाव का संदेश देने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, जय जवान जय किसान का मंत्र देने वाले पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर सादर नमन, डॉक्टर स्पर्धा चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चा रालोपा, बोतल के साथ रालोपा, आरएलपी। पहले कांग्रेस में, फिर आरएलपी में, कहीं भी जा सकते हैं, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैंने ईडी को कहा कि इस स्पर्धा को सर्च करो, पकड़ो। ईडी ने आज स्पर्धा को पकड़ लिया, मतलब सर्च कर रहे हैं। और इस स्पर्धा ने बताया है कि पेपर लीक में मैं बाबूलाल कटारा से मिली थी, और बाबूलाल कटारा ने, जो आपको भी पता है, बाबूलाल कटारा को दिनेश खोडनिया ने, जो डूंगरपुर का बहुत बड़ा व्यवसायी है, आरपीएससी का सदस्य बनाया था। और आपको पहले की पत्रकार वार्ता में मैंने कहा था कि चेयरमैन की गोपनीयता आरपीएससी के पेपर पर रहती है, किसी दूसरे सदस्य को पेपर सेट करने का अधिकार नहीं दिया जा सकता। राज्य के इतिहास में नहीं, देश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि चेयरमैन ने दिनेश खोडनिया के कहने पर बाबूलाल कटारा को पेपर सेट करने का जिम्मेदारी दिला दी। तो जितने भी सब इंस्पेक्टर के पेपर्स हुए, उसमें सारा पैसा, करोड़ों की लेन देन दिनेश खोडनिया के पास पहुंची है। दिनेश खोडनिया बड़े कारोबारी हैं, और मैंने कहा है कि जो अब की बार जितना पैसे का, काला धन का कलेक्शन हुआ है मुख्यमंत्री जी का, वो दिनेश खोडनिया के पास पहुंचा है, और दिनेश खोडनिया ही उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं। वहां आज सुबह ईडी घुस गई, और मैंने जो बताया वो तथ्य प्रमाणित होते जा रहे हैं। मेरा यानी कि मतलब, खोडनिया ने बाबूलाल कटारा को आरपीएससी का मेंबर बनाया, जितने भी पेपर लीक हुए, चाहे सब इंस्पेक्टर का, चाहे आरएस का या बाकी दूसरे, वो सोरे खोडनिया के इशारे पर बाबूलाल कटारा ने किया। और स्पर्धा चौधरी इसमें शामिल है, जो स्पर्धा चौधरी ने खुलासा किया है। और आप जानते हो कि स्पर्धा चौधरी सुरेश ढाका की गर्लफ्रेंड है, इसलिए मैंने पत्रकार वार्ता में एक बार आपको कहा था कि सुरेश ढाका को सरकार किसी भी स्थिति में पकड़ के नहीं लाएगी। सुरेश ढाका को अगर पकड़ के लाती है तो दर्जनों एमएलए, दर्जनों मंत्री सेंट्रल एजेंसी के घेरे में आएंगे। इसलिए मैंने आपको सुबह जल्दी इसलिए तकलीफ दी कि मैं ईडी को कहूंगा कि आरपीसी के चेयरमैन को बुलाएं, पूरे पेपर का घोटाला उनको पता है लीक होने का, खोडनिया को भी बुलाएं,
और अब तो ऐसा लगता है कि अब चोटी मुख्यमंत्री तक, मुख्यमंत्री जी की चोटी भी पकड़ ली जाएगी, ऐसा मेरे को प्रतीत होता है। मैं मीडिया के जरिए मेरे दोस्त हनुमान मेंडवाल से भी कहना चाहूँगा, जरा जल्दी से जल्दी सुष्मिता चौधरी को महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष से हटाएं, वरना आपका करैक्टर भी कलंकित हो जाएगा। ये मेंडवाल जी, चतुर्थ स्थापना दिवस पर सुष्मिता चौधरी बोतल के साथ प्रदेश के किसानों और जवानों के हक के लिए समर्पित है, जो राजस्थान को लूट रही है। ये पेपर लीक की सरगना है, इसके घर ईडी पहुंच गई, तथ्य भी जुटा लिया ईडी ने, और ये बाबूलाल कटारा दिनेश खोडनिया के संपर्क में थी। दिनेश खोडनिया गहलोत साहब की सारी प्रॉपर्टी का लेन देन करता है और वहां भी ईडी चली गई। अब मैं सारे मीडिया के भाइयों से प्रार्थना करना चाहूंगा, अगर आप उचित समझे तो जो काला धन इकट्ठा किया गया है, वहां एक जगह है, तो मैं मीडिया के लोगों से निवेदन करूंगा कि आप मेरे साथ वहां तक चलें, थोड़ी तकलीफ होगी, ताकि पुलिस, एसओजी, ईडी या इनकम टैक्स उस करोड़ों की नकदी और 10-20 किलो के सोने को जब्त कर ले। मीडिया का साथ मिलेगा तो निश्चित रूप से काला धन बाहर आ जाएगा, नहीं तो मैं तो अकेला तो वहां बैठूंगा ही जहां काला धन रखा हुआ है।